नमस्कार, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मीत और मेरी चैनल फूड फॉर अवर में आप सभी का स्वागत है। आज हम सूजी से एक ऐसे नाश्ते की रेसिपी देखने वाले हैं जिसको बनाना बहुत ही इजी है और ये खाने में स्पाइसी, टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी लगता है। तो चलिए देखते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। एक कप सूजी यानी कि सेमोलिना, हमें यहाँ पर एकदम ही बारीक वाली सूजी यूज करनी है। फिर हमें यहाँ पर चाहिए आधा कप मैदा यानी कि ऑल पर्पज फ्लावर, 4 से 5 टेबलस्पून शेजवान सॉस। मैं यहाँ पर होममेड शेजवान सॉस यूज कर रहा हूँ, तो अगर आपको भी ये देखना है कि घर पर शेजवान सॉस कैसे बनाया जाता है तो उसके वीडियो की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फिर हमें चाहिए 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और स्वाद अनुसार नमक। तो पहले हम एक बाउल में 1 कप सूजी यानी कि सेमोलिना ऐड कर लेते हैं। फिर हम उसपे आधा कप मैदा यानी कि ऑल पर्पज फ्लावर, स्वाद अनुसार नमक, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 4 से 5 टेबलस्पून शेजवान सॉस। अगर आप ये रेसिपी अपने बच्चों के लिए बना रहे हो तो शेजवान सॉस की मात्रा थोड़ी सी कम रखें। और लगभग 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड करके इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसको हाथों से अच्छे से मसल लेते हैं और इसका हमें डो रेडी कर लेना है। और इस डो को बनाने के लिए हमें एकदम ही कम पानी का यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा। देखिए हमारा डो बन के रेडी हो चुका है। तब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर लेते हैं और इसको हमें वापस एक बार मसल लेना होगा। ये देखिए हमारा डो बन के रेडी हो चुका है। तब हम क्या करेंगे कि हम इसमें से ऐसे छोटे छोटे बॉल्स रेडी कर लेते हैं और फिर हमें इन बॉल्स को एक फ्लैट सरफेस के ऊपर रख लेना है। और फिर एक फॉक यानी कि कांटे वाली चम्मच की सहायता से हमें इसमें ऐसी एक डिजाइन रेडी कर लेनी होगी। आप इस कांटे वाली चम्मच की सहायता से अलग अलग टाइप के डिजाइन बना सकते हो, तो ये टोटली आपके ऊपर है कि आपको कैसे डिजाइन बनानी है। अब इसी तरह हम बाकी सभी डिजाइन को भी रेडी कर लेते हैं। ये देखिए ये सभी रेडी हो चुके हैं। तब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो जब आपका तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसको इसमें ऐड कर लेते हैं। इनको तेल में डालने के बाद आपको गैस की फ्लेम को स्लो कर लेना है और आपको इसे तब तक फ्राई करना है जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाते। अगर आप इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करते हो तो ये बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इसे स्लो फ्लेम पर फ्राई करें ताकि इसका कलर भी बहुत ज़्यादा चेंज ना हो और ये बहुत ही क्रिस्पी बने। इन्हें आपको इसे बीच में पलटते भी रहना होगा। ये देखिए अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। इसे हम एक टिश्यू पेपर या एब्सॉर्बिंग पेपर पर निकाल लेंगे ताकि सारा एक्सेस ऑयल एब्सॉर्ब हो जाए। तो लीजिए हमारा सूजी का स्पाइसी, टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी नाश्ता बनके रेडी हो चुका है। आपको ये कैसा लग रहा है इसके बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप या फेसबुक पे जरूर शेयर कीजिए।